अतिसार दस्त। नुस्खे, बेल का गूदा पानी में मत कर, थोड़ी सी शक्कर मिलाकर नित्य कुछ दिनों तक पीने से दस्त बंद हो जाते हैं। पीपल के दो पत्तों को पानी में उबालकर पानी पिएं। बेल का मुरब्बा सेवन करने से हर प्रकार के दस्त रुक जाते हैं। सौंफ, इसबगोल, बेलगिरी तथा चीनी सब 100-100 ग्राम की मात्रा में पीसकर चूर्ण बनाकर कांच की शीशी में रख लें। इसमें से 5-5 ग्राम चूर्ण नित्य सुबह शाम मट्ठे या ताजे पानी के साथ सेवन करें। यदि दस्त के साथ खून आने की शिकायत हो तो दूब का रस आधा चम्मच सेवन करें या थोड़ी सी दूब का काढ़ा बनाकर पिएं। जामुन आराम की गुठली की गिरी पीसकर चूर्ण बना लें। सुबह शाम आधा आधा चम्मच चूर्ण मट्ठे या ताजे पानी से लें। एक रत्ती अफीम पानी के साथ लेने से दस्त रुक जाते हैं। पके हुए फरेंदा, जामुन का रस 5 चम्मच लेकर उसमें जरा सी चीनी या गुड़ मिलाकर सेवन करें। 2 चम्मच रीठे का पानी पीने से हर तरह के दस्त रुक जाते हैं। थोड़ा सा जायफल सिल पर घिसें, उसमें तुलसी के बीजों का चूर्ण आधे चम्मच की मात्रा में मिलाएं, फिर इसे 1 कप पानी में घोलकर पी जाएं। लौकी का रायता छाछ में बनाकर भोजन के साथ लें। रोज 2 कप छाछ में 1 चम्मच शहद मिलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से हर प्रकार का दस्त समाप्त हो जाता है। आम की कोंपलों को पानी में औटाकर छानकर सेवन करें। बेल का रस 1 गिलास लेकर उसमें 1 चुटकी भुनी हुई फिटकरी मिलाकर सुबह शाम पिएं। यदि किसी अंग्रेजी दवा के कारण दस्त हो तो नींबू के रस में थोड़ा सा घी मिलाकर पी जाएं। 4 बूंद अर्क पुदीना ताजे पानी में डालकर सेवन करें। बथुए की सब्जी मूंग की दाल में मिलाकर खाने से दस्तों में काफी आराम मिलता है। इमली के चियों को पानी में पीस लें, फिर 2 चम्मच की मात्रा में मट्ठे के साथ सेवन करें। यदि गर्मी के मौसम में दस्त का रोग हो जाए तो 4-5 नीम के मुलायम पत्ते पानी में उबाल छानकर थोड़ी सी मिश्री डालकर पी जाएं। तुलसी के 2-4 पत्ते सुबह शाम चबा जाएं, दस्त रुक जाएंगे। 2-3 ग्राम दालचीनी का चूर्ण खाकर ऊपर से पानी पी लें। 1 कप पानी में अदरक का रस 1 चम्मच तथा 4 दाने काली मिर्च औटाकर काढ़े के रूप में सेवन करें। 4 पीपल, 2 छोटी हरण तथा 2 चुटकी काला नमक पीसकर 3 खुराक करें। दिन में 3 बार इस चूर्ण को लेने से दस्त बंद हो जाते हैं। धनिया का चूर्ण 1 चम्मच की मात्रा में फांक कर पानी पी लें। 1 अखरोट की गिरी को महीन पीसकर नाभि पर पतला पतला लेप करें। यदि दस्तों में ऐंठन या मरोड़ होगी तो वह भी रुक जाएगी। 2 चम्मच खसखस थोड़े से पानी में पीस लें, फिर इसे दही में मिलाकर खाने से मरोड़ वाले दस्त रुक जाते हैं।